Hey everyone, welcome back and good evening to all my dear students. This is Shansa sir and you are watching English study classes. आप सभी का एक बार फिर से शहनशाह सर आपका स्वागत करते हुए लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल सेट 2022 का 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली यानी 2022 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग शुरू किए हैं आज की क्लास। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। सो बिफोर स्टार्टिंग यू प्लीज टेल मी दैट एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्लास शुरू करने से पहले आप मुझे बता दो कि सब कुछ ठीक ठाक है, आवाज वगैरह एवरीथिंग। और आपको मैं बता दूं एक बार फिर से, इंग्लिश स्टडी क्लासेस नाम चेंज हो गया है आपके इस चैनल का और इसी नाम से अब करेंगे इंग्लिश स्टडी बाय शहनशाह सर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस मॉडल सेट बिहार बोर्ड के लिए। उम्मीद है आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। हाँ जी, प्रदीप कुमार खुश रहे सब लोग। चलिए अब सेशन को शेयर कर दो फटाफट, अब इतना तो समय देना ही पड़ेगा आप लोगों को ताकि सभी स्टूडेंट्स इसमें जुड़ जाएं मेरे प्यारे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का भाई। चलिए तो आज की क्लास हमारी जो चलने वाली है काफी खास तरीके से ये होगी और कैसे होगी ये हमें देखना है कि किस तरह से इसे हमें खास बनाना है, ठीक है। चलिए तो पहला हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ये देख सकते हैं मॉडल सेट 12th बिहार बोर्ड 2022, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन आपका है दे डॉट डॉट द ब्रीज बिल्ड बिल्ड्स बिल्ड या वर बिल्डिंग, क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट करके बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फटाफट, ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता ही देता हूं, तो मेरे ख्याल से उसमें तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं रहता है, आप समझ सकते हो। चलिए सर, हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शहनशाह सर की जुबानी आपको बताई है, तो वन का क्या हो जाएगा, वन का दे बिल्ड मतलब बनाते हैं, बिल्ड्स तो नहीं होगा क्योंकि दे अपने आप में क्या है, ये प्लुरल है, ठीक है, और ये सिंगुलर हो जा रहा है, इस लग करके ये सिंगुलर हो गया इसलिए ये नहीं होगा। अब या तो वर बिल्डिंग, दे वर बिल्डिंग द ब्रिज, बना रहे थे, ये भी हो सकता है, बट हम लोग प्राथमिकता जो देते हैं ना मेरे भाई वो हम लोग प्रेजेंट को देते हैं या तो पास्ट इंडेफिनिट को देते हैं। तो आपका जो यहाँ पे हो जाएगा दे बिल्ड द ब्रिज, बनाते हैं, तो आपका सिंपल तरीके से आप ये कर सकते हैं, प्राथमिकता के स्तर पे आपका ये हो जाएगा वन का है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए सेकंड देखते हैं, आई रिसीव्ड अर्जेंट टेलीफोन कॉल, ये आर्टिकल का है, आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है उस बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो आई रिसीव्ड ए अर्जेंट कॉल, एन अर्जेंट कॉल या द अर्जेंट कॉल, टेलीफोन कॉल या जो भी कॉल, फर्क नहीं पड़ता। तो आई रिसीव्ड अर्जेंट, तो अब अर्जेंट आप जब बोल रहे हो, अर्जेंट जब इसकी साउंड अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है, अ, और अ अपने आप में कौन सा वावल साउंड, भावल मत बोलिएगा, वावल बोलते हैं, वावल साउंड्स, ठीक है। तो ये वावल साउंड, और वावल साउंड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आसान है सर, हम लोग एन लगाते हैं। तो दूसरा का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, दूसरा का बी, बिल्कुल सही। चलिए भाई अब देखते हैं इसमें तीसरा नंबर क्या है आप लोगों का, द पोयम, सॉरी ये पोयम नहीं है, ये प्यून है, अब इसको मैं थोड़ा सा कट कर दूं, ये एन यहाँ पे है, सॉरी है ना, द प्यून, ठीक है, द प्यून है ना, पोयम थोड़ी होगा, द प्यून ओपन, देखो यहाँ पे प्यून लिखा भी है, द प्यून ओपन्ड द गेट गेट गेट, ठीक है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो द प्यून हैज बीन ओपन द गेट, द प्यून विल बी ओपन द गेट। अब ये तो आपको तो पता है पैसिव में हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट बना देंगे, अब ये तो सब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट बनाया हुआ है, गलत है सर। तो द गेट, अब ये ओपन्ड क्या है, V2 है, तो जाहिर सी बात है वाज होगा, इस तो होगा नहीं, इसलिए आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो सी को लॉक कर दिया जाए, तीसरा का सी, समझ में आ रहा है ना। चलो भाई देखो, तीसरा का डी नहीं होगा, तीसरा का सी होगा, द गेट इज थोड़ी होगा, ओपन्ड है ना, तो आपको समझ सकते हो सिंपल सी बात है। चलिए अब देखते हैं भाई, सॉरी
थर्ड के बाद चलते हैं फोर्थ नंबर पे, क्या है आपका, हु रोट दिस नॉवल, क्या बात है, बहुत शानदार है, हु रोट दिस नॉवल, पैसिव में इसको भी चेंज करना भाई, हु रोट दिस नॉवल, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको कैसे, तो हु रोट दिस नॉवल, अब आपको मैंने बताया था एक बार कि देखो भाई हु का जब हम पैसिव बनाते हैं ना, पैसिव वॉइस, हु का जब पैसिव बनाते हैं तो ये हुआ बाय होम, ठीक है, बाय होम से हम लोग करते हैं, ठीक है, हु का बाय होम से करते हैं, है ना, बाय होम से, अब देखो ये बाय होम इज, बाय होम इज, है ना, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो बाय होम यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, बाय होम के बाद हम लोग कर देंगे वॉज, क्योंकि रोट वी टू है तो वी टू का तो वॉज वर्ब ही पे करेगा, सो बाय होम वॉज दिस नॉवल रिटेन, ये आपका सी वाला सही हो जाएगा, बाय होम इज दिस नॉवल बिन, या वॉज भी रहेगा तो भी बिन तो नहीं होगा ना, क्योंकि वॉज के बाद बिन थोड़ी लगता है कि नहीं, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको जो सही करना है वो आपके सी वाले में सही करना है, तो फोर का सी बिल्कुल सही। चलिए अनीश कुमार एक आए हैं, चलिए भाई, ही इज स्टैंडिंग, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है मेरे भाई, ठीक है, अब इस प्रीपोजिशन को देखो, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है, रोड है ना, बिसाइड द रोड, ऑन द रोड, इन टू द रोड या टू द रोड, क्या होगा बता दो फटाफट, बहुत आसान है, He is standing beside the road. अब रोड के बगल में कोई थोड़ी खड़ा रहता है यार, रोड पर खड़ा रहता है ना, तो रोड पर खड़ा है तो जाहिर सी बात है रोड पर खड़ा है, तो समझ सकते हो मैं क्या इशारा कर रहा हूं, है ना, तो रोड पर खड़ा है, रोड के बगल में नहीं, रोड पर, रोड के बगल में क्या, रोड के नीचे थोड़ी, रोड के नीचे खेत होता है, रोड के बगल वो प्लेटफॉर्म वाली बात नहीं है, तो आपका जो भी होगा ना भाई फाइव का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का फाइव का बी हो जाएगा, ठीक है, बिसाइड नहीं, नहीं नहीं बिसाइड द रोड नहीं सर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ओके, चलिए सिक्स नंबर पे चलते हैं, सिक्स और सेवन, शी लुक लुक्ड, ठीक है, शी लुक्ड हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे की देखभाल करती थी, अब इसका क्या होगा, ये आपको आप प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक फॉर मतलब होता है पता लगाना, लुक इन टू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, लुक ऑफ का टेंशन नहीं है, तो भाई मेरे बताओ, बता दो फटाफट क्या होगा, मैंने तीनों का बता दिया, इसका तो हटाओ, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इन टू जांच पड़ताल करना, लुक फॉर पता लगाना या खोज करना, ठीक है, पता लगाना या खोज करना, तो सिक्स का है? वो देखभाल कर रही थी ना, किसी चीज का खोज करना, किसी आदमी का नहीं, तो सिक्स का ए हो जाएगा, ठीक है, लुक आफ्टर बिल्कुल सही नेहा का। चलो देखो, सैल्यूट द नेशनल फ्लैग, हमें नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करना चाहिए, देखो भाई अब इसमें बता दो क्या होगा, माइट का तो संभावना होता है, कम संभावना के अर्थ में, तो ये लेस पॉसिबिलिटी आपका हो गया, कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना, ठीक है, कुड सकता था सकती थी, ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है, विल भी नहीं होगा, बचा तो क्या बचा, आउट टू, तो सातवां का आउट टू हो जाएगा, क्यों होगा इसका मैं बता देता हूं, ये एक बोलते हैं लीगल, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल ड्यूटी के अर्थ में इसका होता है, या मैनर भी बोलते हैं, मैनर के अर्थ में, मैनर, ठीक है, तो भाई झंडे को सलामी देना ये क्या है, मैनर है कि नहीं, इसलिए क्या होगा, आउट टू हो जाएगा, ठीक है ना, सेवन का क्या हो जाएगा बेटा, ए आउट टू हो जाएगा, क्लियर, चलिए लाइक कर दो सेशन को फटाफट मेरे भाई, जो लोग आप लोग जितने देख रहे हो कम से कम उतने तो करो ना, क्या घबरा रहे हो, चलिए सेवन के बाद एट नंबर पे चलते हैं, और एट नंबर की बात करें तो हुआ वी ईट लिस्ट, हम खाते हैं नहीं तो हम मर जाएंगे, लिस्ट का मतलब होता है नहीं तो, लिस्ट का हिंदी होता है नहीं तो, और एक ट्रिक याद करना कि जिस सेंटेंस में अगर एल ई एस टी लिस्ट अगर जुड़ा हुआ हो तो उसमें एक ही मॉडल वर्ब आता है, फिक्स मॉडल क्या है, फिक्स मॉडल वर्ब, फिक्स मॉडल वर्ब, फिक्स मॉडल वर्ब क्या है, तो फिक्स मॉडल वर्ब अगर आप देखो है ना, चलिए फिक्स मॉडल वर्ब क्या होगा बेटा, तो फिक्स मॉडल वर्ब हम लोग आठवां का क्या लगा देंगे बता दो,
अरे बोलो ना, शुड कुड वुड माइट। तो सरकार आपका क्या होगा, शुड इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, कुछ बच्चों का। चलिए देखिए, तो वी ईट लेस्ट वी शुड डाई, हम लोग खाते हैं नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। अब इसमें गागेगी से मतलब नहीं है, आपका फिक्स है कि यही लेगा, भले हिंदी कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे। समझ में आया ना, चलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं भाई। शी इज पुअर शी इज हैप्पी, शी इज पुअर शी इज हैप्पी, शी इज पुअर बट हैप्पी, शी इज पुअर सो हैप्पी, है ना। शी इज हैप्पी सो शी इज पुअर, शी इज हैप्पी बिकॉज शी इज पुअर। अब बता दो, बहुत आसान है नाइन वाला, बता दो फटाफट। नाइन का शी इज पुअर शी इज हैप्पी, तो भाई मेरे जब हम नाइन की बात करते हैं, है ना, जब हम नाइन की बात करते हैं तो शी इज पुअर, वो गरीब है फिर भी वो क्या है, खुश है ना, वो गरीब है फिर भी क्या है, वो खुश है। तो नाइन का क्या हो जाएगा, ए, शी इज पुअर फिर भी, लेकिन फिर भी क्या है, वो खुश है ना, लेकिन फिर भी वो क्या है, खुश है। ओके, बस मारी है ना। अब चलते हैं सरकार इसके आगे। चलो देखो ना, अब दसवां क्या होगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। बड़ा शानदार है सर, बता दो फटाफट क्या होगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड भाई। अब स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक, बड़ा आसान है, दसवां का बता दो तो मैं देखता हूं कितने लोग है ना, कैसे होगा। क्या होगा दसवां का, दसवां का आपका स्पेसिफिक, बिल्कुल सही जवाब दसवां का बी हो जाएगा, आपका क्लियर हुआ स्पेसिफिक, है ना। अब चलते हैं एक और आपका इसी में है, क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भाई, बड़ा मजेदार है। हैमर हेमर हेमर हैमर, है ना, क्या होगा बता दो फटाफट, टेंशन क्या लेना है, कैसे होगा, क्यों होगा। बताइए क्या करेंगे उल्टा, तो बेटा इसका भी अगर हम लोग करें तो 11 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही 11 का ए। चलो अब बता दो क्या करेंगे मेरे भाई, 12 का ही सेड आई एम गोइंग, तो भैया इसको नरेशन में चेंज करना है, ही सेड दैट आई वॉज गोइंग, है ना, ही सेड, ये तो यूज हो गया सरकार गलत, तो ही टोल्ड दैट। अब यहाँ पे ये चीजें थोड़ा सा आपको अगर मैं बताऊं तो ये मेरे भाई आपका यहाँ पे गलत हो गया, ही सेड दैट, है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज गोइंग, ही सेड दैट आई वाज गोइंग, ये आई के चलते गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ही टोल्ड दैट ही इज गोइंग, ये इसके चलते गलत हो जाएगा, बाकी तो ये है आपका सही ऑप्शन, क्या हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा, 12 का क्या होगा, बी। ठीक है ना, 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर पे। द पोएट हिमसेल्फ कंपेयर्स, द पोएट हिमसेल्फ कंपेयर्स टू द, अब ये आ गया तुम्हारा किसमें का, ये आ गया तुम्हारे किताब में का, ठीक है तुम्हारे किताब में का, तो बता दो मुझे क्या होगा, द पोएट हिमसेल्फ कंपेयर्स टू द किससे, मून से, अर्थ से, सन से और नन से, किससे होगा, किससे होगा बताओ ना। बोलिए तो सही, तो मेरे बच्चे अगर इसका देखे किताब का, तो बिल्कुल सही जवाब आपका सन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है।
हु इज आई इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आई कौन है, द पोएट है, विलेजर है, न्यू पर्सन है या इज लिसनर है, क्या है? 14 का फटाफट बताओ. बोलिए प्यारे. तो अगर इसका देखे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो वाल्ट विट में लिखा हुआ है ये, तो इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है. ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब आपका. चलो भाई देखो, बता दो भाई थोड़ी देर. क्या हो जाएगा इसका? एंड द एक्टिव हैंड मस्ट लनली ऑन द सेपरेट नीज. ये तो लाइन पता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है. ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है. ठीक है, तो पता क्या चला सरकार, बता दो मुझे. ठीक है, बता दो. तो भाई इसकी अगर बात करें तो ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ये किसकी बात कर रहा है, हैंड मस्ट फ्रीज की बात कर रहा है. ठीक है ना, हैंड मस्ट फ्रीज की बात कर रहा है, इसलिए आपका 15 का सी हो जाएगा प्यारे, 15 का सी. ठीक है ना, समझ रहे हो ना सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना मेरे भाई. चलो अब चलते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश की तबाही मचाते हैं. समझ में आया कि नहीं? ओके ना, ओके सर, ओके. चलो आ जाओ देखो. तुगलक इज रिटेन बाय, तुगलक इज रिटेन बाय आसिफ कुरुम्बवाय, गिरीश कर्नाड, आर एन टैगोर, जी वी शॉ. क्या होगा बता दो मुझे. तुगलक इज रिटेन बाय आसिफ कुरुम्बवाय, गिरीश कर्नाड, आर एन टैगोर, जी वी शॉ. तो 16 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही. गिरीश कर्नाड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही. नेहा सॉरी प्रदीप, क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान हुआ. अब देखो 17 नंबर पे चलते हैं, 17 नंबर. सॉरी मैंने इसका क्वेश्चन हमें हटा दिया यार. हाँ, द रोमांटिक रिवाइवल, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड. ये रोमांटिक रिवाइवल आपको पोएट्री, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री है ना, उसी के किताब में दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं. ठीक है ना, रोमांटिक रिवाइवल में किसका नाम आता है? जॉन ड्राइडन का, अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप इनका पूरा नाम है जिन्होंने द रेप ऑफ लॉक लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन मिल्टन का, किसका नाम आता है सर आप बताएं? बड़ा टफ क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा मेरे ख्याल से, लेकिन है बहुत इजी अगर आप पढ़े हैं तो. आसान है, पढ़े तो आसान है, पैसा है तो सब कुछ सस्ता लगता है कि नहीं? पैसा ना हो तो सब कुछ महंगा लगता है, ये याद रखिएगा. तो क्या हो जाएगा 17 का? अगर मैं 17 का बताऊं तो मुझे उम्मीद है, देखो भाई 17 का सी विलियम वर्ड्सवर्थ किताब में लिखा हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा. रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा गया है, अनएसोसिएटेड इन्हीं के द्वारा हुआ है. 17 का सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर पोप नहीं. ठीक है, मैं पूरा चैप्टर नेम भी बता देता हूं, अब क्या चाहिए बताओ. हु एंजॉयड ट्रू होम रूल, ये तो भाई गांधी जी हैं. ट्रू होम रूल इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है. ठीक है ना, द पीपल ऑफ जापान, अवर एंसेस्टर्स, ऑल पर्सन इन द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ जापान या रोम, अवर एंसेस्टर्स. चलो बता दो. तो हमारा ये जो लाइन है सरकार, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है. आप इसको अगर देखें तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अबे ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा? 18 का बिल्कुल सही आपका अवर एंसेस्टर होगा बेटा. हमारे पूर्वजों ने ट्रू होम रूल एंजॉय किया था, है ना. ठीक है, अब आ जाओ 19 पे. व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश, ये मैं बता चुका हूं, आप मुझे बता दो. व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश? 166 AD से 1500, 1150 से 1500, 1160 से 1400, क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई मेरे. 18 का बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, अब आओ सर 19 पर चलते हैं, 19 नंबर पे.
तो आप अगर 19 की बात करो तो मिडिल इंग्लिश की बातें क्या हुई हमारी, मिडिल इंग्लिश की बात करें तो सर 1150 से आपका चला है 1500 AD तक, आप ऑप्शन बस सी इज द राइट। ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो 449 से शुरू हुआ है ओल्ड इंग्लिश, है ना, 449 से आपका ओल्ड इंग्लिश शुरू हुआ है, समझ में आ रहा, और 1066 तक चला है, वहां पे लिखा हुआ भी 1066 तक, ठीक है, फिर 1150 से शुरू हुआ, ठीक है, तो मिडिल इंग्लिश चला, ठीक है। अब देखो सरकार, चलते हैं आपका 20 नंबर, है ना, इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवल, मॉडर्न नॉवल की बात की जा रही है तो आप मुझे बताओ किसको मॉडर्न नॉवल कहा जाता है सर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, ओके आप जल्दी से कमेंट करें, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, प्यास लगा है, जबान लड़खड़ा जाता है, कम ऑन एवरीवन टेल मी, फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवल, फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवल बता दो जल्दी से, कमेंट 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 जल्दी आना चाहिए, कमेंट जितना जल्दी आएगा उतना बड़ा रहेगा, है ना। तो भाई 20वां की अगर बात करें तो मैं बता चुका हूं एक बार और, ये वाला नहीं याद है तो भाई आपका ऑप्शन नंबर हेनरी फील्डिंग, आप चाहो तो गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया भी था स्टडी वे पे भी, ठीक है। तो हेनरी फील्डिंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवल, नॉट रिचार्डसन, ठीक है, बस मैं। तो मेरे बच्चों ये आपका था टोटल 20 क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन यहां तक, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत उम्मीद है आपको नहीं हो रही है, आप ऐसे ही अच्छी तरीके सीख रहे हैं, और बिहार बोर्ड के लिए जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। चलिए तो आज की कार्रवाई हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। कल आप लोगों का सिंटेक्स का लास्ट क्लास रहेगा, कल 3 फरवरी है, ठीक है ना, कल 3 फरवरी है, ओके, और फिर उसके बाद 4 फरवरी से मैं आपको सिलेबस बताऊंगा एक नए सेशन के लिए, नए बैच के लिए, और फिर उसके बाद आप जुड़ेंगे, ओके। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शहनशाह सर की क्लास, इंग्लिश स्टडी क्लास, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय।